तो इस बीच हरियाणा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा प्रशासन में बड़ा फेरबदल सामने आया है। 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हरियाणा प्रशासन ने किए हैं। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह एडीजीपी क्राइम बनाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएस कपूर को डीजीपी विजिलेंस विभाग का बनाया गया है। तो 14 आईपीएस अफसरों के कार्यभार बदले गए हैं। हरियाणा प्रशासन में बड़ा फेरबदल सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो पुलिस विभाग में ये ओवरहॉलिंग की गई है और इसमें फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह को एडीजीपी क्राइम बना दिया गया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एसएस कपूर को डीजीपी विजिलेंस बनाया गया है। ये 14 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पुलिस महकमे को ओवरहॉल करने की कोशिश हरियाणा प्रशासन के द्वारा, बड़ा फेरबदल। 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं, विभाग आपस में बदले गए हैं। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज, जियोटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।